समनाबाद में 10 साल मिनाहिल पर तशद्दुद का केस, सौतेली माँ और बाप गिरफ्तार। मुकदमे में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद की दफात शामिल। मुलजिमा आयशा से वुमेन पुलिस स्टेशन लुटन रोड में तफ्तीश जारी। बच्ची की वालदा 4 साल कबल इंतकाल कर गई। सौतेली माँ घर में लोहे के गर्म रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाती रही। आयरन की रॉड से मारा था काफ़ी। उसके बाद हमें पुलिस से पता चला, हमारी टीम उधर गई, हमारी रेस्क्यू टीम, एंड वो बच्ची अब हमारे पास है। थ्रू लीगल कस्टडी शी विल बी स्टेइंग विद अस बिकॉज और उसके किसी रिलेटिव ने नहीं कॉन्टैक्ट किया। मुतासरा बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में। मुनाहिल जहनी सदमे का शिकार है, मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं। वालिदैन पर FIR दर्ज करा दी। बच्ची के बयान से मजीद हकायक सामने आएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन में ही मुकम्मल देखभाल जारी रहेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ 5 रोज से जिना अस्पताल में जेरे इलाज। 1 माह से नवाज शरीफ के टेस्ट पर टेस्ट और तिब्बी मुआयना जारी। मेडिकल बोर्ड की एंजियोग्राफी कराने की तजवीज। सिफारिशात महकमा दाखला को इरसाल। आज फिर सीनियर डॉक्टर सेहत से मुतालिक मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का एंजियोग्राफी बारे बताने से इनकार। नवाज शरीफ की सेहत का मामला मेडिकल बोर्ड सुलझन का शिकार। 5वें बोर्ड की सिफारिशात ने PIC के दोनों मेडिकल बोर्ड्स पर सवालात उठा दिए। जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी की तजवीज दी, PIC के बोर्ड की एंजियोग्राफी ना कराने की तजवीज। PIC के दोनों बोर्ड्स एंजियोग्राफी तजवीज करते तो सर्विसेज और जिना अस्पताल ना ले जाना पड़ता, जराए का दावा। आले शरीफ नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रही है, मुसलसल वावेला मचाया गया। नवाज शरीफ को 3-4 कमरे दिखाए मगर उन्हें गायनी में कमरा पसंद आया। उन्होंने अपना मजाक खुद बनाया, हमने नहीं। आले शरीफ की फरमाइश पर 5 मेडिकल बोर्ड बनाए। नवाज शरीफ का दिल और दिमाग पाकिस्तान में नहीं लग रहा, शायद लंदन फ्लैट्स में उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। दानी स्कूलों के अखराजात में कमी के लिए इंतजामी तब्दीलियां करने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत दानी स्कूल अथॉरिटी का इजलास। दानी स्कूलों में 6ठी जमात की बजाय 8वीं क्लास के बच्चों के दाखिले की तजवीज। वजीर आला का कहना है, दानी स्कूलों में घपले करने वालों से पाई पाई वसूल करेंगे। हर बच्चे को आला तरीन तालीम के मौके फराहम करना चाहते हैं। ड्रीमलैंड सोसाइटी में करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी शामिल करने का मामला। एंटी करप्शन ने DG LDA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। LDA के आला अफसरान के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज। DG LDA आमना इमरान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। हाईकोर्ट का ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की जद में आने वाले ग्राउंड्स 22 फरवरी तक असल हालत में बहाल करने का हुक्म। चीफ इंजीनियर LDA और DG MD वासा को आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट समेत तलब। लाहौर के अंदर सांस लेने के लिए ग्राउंड्स बहाल करना जरूरी। जस्टिस फारूक अरफान के रिमार्क्स। सानिया साहिवाल JIT की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। सानिया साहिवाल को 1 माह गुजर गया। लवाहिकीन को इंसाफ मिला और ना तहकीकात मुकम्मल हुई। वजीर अला पंजाब ने 19 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। साहिवाल ऑपरेशन के दौरान 2 खवातीन समेत 4 अफराद जांबहक हुए थे। तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाओ, एफका मुलाजमीन मुतालबात के हक में फिर सड़कों पर निकल आए। 7 क्लब के सामने एहतजाजी धरने की तैयारियां। मुलाजमीन जमा होने लगे। डेविस रोड से 7 क्लब तक रैली निकाली जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे, मुलाजमीन की धमकी। सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। हांडी की लाजमी जरूरत, टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर। सरकारी लिस्टों में टमाटर 110 रुपए किलो, दुकानों पर 130 से 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 120 रुपए, अदरक 200 रुपए किलो मिलने लगी। मौसमी सब्जियों के भी दुगने रेट।
हाई कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन इंतखाबी दंगल सजने में 3 रोज बाकी, इंतजामात मुकम्मल। 16,226 वकला वोट कास्ट करेंगे, 5 पोलिंग स्टेशन कायम करने का फैसला इलेक्शन बोर्ड। खेलों के फरोग के लिए आसान इकदाम, स्कूलों में खेलों के लिए 2 पीरियड्स मुख्तस करने का फैसला। 31 मार्च तक स्कूलों को ग्राउंड्स की तफसीलात मुकम्मल करने का टास्क। खेलों के सामान और मुकाबलों के लिए नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल किया जाएगा। हॉकी, टेनिस, हैंडबॉल और दीगर मुकाबले होंगे। क्रिकेटर शाहजेब हसन की ईसीएल से नाम निकलवाने की दरख्वास्त, हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखला और पीसीबी को नोटिस जारी कर दिए। 15 रोज में जवाब तलब, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस नहीं, नाम ईसीएल से निकाला जाए, दरख्वास्त में मौकफ। और सूरज ने दूसरे रोज आंख खोल ली, 2 रोजा बारिश के स्पेल के बाद आज वक्फा, कल से बादलों की फिर से बरसने की तैयारी। महकमा मौसमियात की बारिश का नया सिलसिला जुमेरात तक रहने की पेशगोई, तेज हवाओं के झोंके, सर्दी की लहर बरकरार।